नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज गाइड मी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बी एड द स्कोप एंड मेरा मेरे कोल बी ए विच इंग्लिश इलेक्टिव पोलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट सी, सर प्लीज गाइड मी वेदर आई बी एड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर इन गेटिंग गवर्नमेंट जॉब और नहीं। तो इनकी ब्रीफ समरी क्या बन रही है, ये इनकी ब्रीफ समरी है। तो मेन इनका इंटरेस्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो अब एक प्रॉब्लम क्या है कि जो इनका मेजर एलिजिबिलिटी बन रही है, 3 साल पब्लिक एड पढ़ा है और इन्होंने 2 साइंसेज पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड दोनों सोशल साइंसेज हैं वो पढ़ी हुई हैं, ये इनका एसएसटी बन रहा है और इनमें से पंजाब गवर्नमेंट ने जॉब लेनी है तो 4 स्कूल सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनमें से पॉलिटिकल साइंस एक है तो इन्होंने पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंसेस में से एक पढ़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा पब्लिक एड है। तो एसएसटी के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स कितने हैं मुझे नहीं पता। एसएसटी आपको हर हालत में लेना चाहिए क्योंकि एसएसटी लेके आप टीजीटी के लिए एलिजिबल बन जाते हो, 3 साल पढ़ा हुआ है, इलेक्टिव है, कॉम्बिनेशन है, दोनों साइंसेज साथ साथ में पढ़ी हुई है। आपका इंटरेस्ट अगर पब्लिक एड में है तो आपको एसएसटी लेके, दूसरा आपको एसएसटी के साथ इंग्लिश ही लेनी चाहिए, इंग्लिश में, क्योंकि पिछली बार पोस्ट कितनी निकली है यहाँ देख लेते हैं, 790 है मेरे ख्याल में, 2022 में 790 पोस्ट निकली है, काफ़ी है, इंग्लिश और सॉरी पंजाबी और हिंदी के मुकाबले ज़्यादा पोस्ट हैं। अगर आप पब्लिक एड की बात कर रहे हो तो ये पीजीटी बनेगी, है ना, पीजीटी के, मैं अभी मेरे पास नहीं है डाटा, मैं एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि पब्लिक एड में निकली है पोस्ट वो बहुत कम होगी, लेकिन एसएसटी में बहुत ज़्यादा पोस्ट निकली हैं, वो वीडियो अलग में बता दूंगा। एसएसटी में लगभग मेरे ख्याल में 800 के करीब पोस्ट निकली हैं, तो आप इंग्लिश भी आपके इतनी पोस्ट निकल रही हैं और एसएसटी की भी निकल रही हैं, आप जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो, एडिशनल कोई देना नहीं पड़ रहा, दैट इज वाई बेस्ट माई सुजेशन इज, बाकी जो एडिशनल आपको नहीं करना पड़ रहा इंटरेस्ट और नॉलेज की मुझे नहीं पता कि इनमें से ज़्यादा किस में है, लेकिन आपको हर हालत में एसएसटी पंजाब इंग्लिश ले लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो रहे हो। दूसरी आपके लिए गाइडेंस है कि आप बीएड करने के बाद एडिशनल, ये वाला एडिशनल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दे दें, उसके बाद आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये आपके लिए गाइडेंस है। दैट इज ऑल, कोई और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।